अस्सलाम वालेकुम क्लास इन द प्रीवियस लेक्चर वी रीड अबाउट सिस्टम थ्योरी सिस्टम डेविड आइसटन मॉडल क्या था पॉलिटिकल सिस्टम क्या था पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे रीड आउट किया जाता है और उसमें क्या डेविड आइसटन मॉडल ने कितनी वॉल्यूम दिए थ्री वॉल्यूम दिए थे ठीक है उसके हम रीड आउट कर रहे थे डेविड आइसटन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था देन आज हम पढ़ते हैं कि ये जम्पन्स क्या है उसे फर्दर कंटिन्यू करते हैं द की ये बिल्ड इन टू दिस डेफिनेशन इज दैट इन एवरी सोसाइटी पीपल हैव डिफरेंट वैल्यूज सचैज इंटरेस्ट ऑबजेक्टिव डिजायर रिसोर्स एंड दिज मस्ट बी अथॉरिटेटिवली एलोकेट और डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कॉन्फ्लिक्टचुएशन स्क्योसिटी वर्सिस इनकमपेटिबल गते हैं बिल्ट करते हैं इन टू दिस डेफिनेशन इस डेफिनेशन में इज दैट इन एवरी सोसाइटी के एवरी सोसाइटी और पीपल उनकी क्या होती हैं डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिवज़ होते हैं ख़्वाहिशात होती हैं उनके रिसोसादा होते हैं दैट मस्ट भी अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड जो कि उन्हें क्या है अथॉरिटेटिवली एलोकेटेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन किसी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें मोहतात रहना है हाउ इज़ दिस डन ये कैसे हो सकता है और हाओ आ वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड और वैल्यूज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं एज़ इन लेस वेल आ क्लासिक फेरेज एक बुक का नाम बता रहे हैं हु गेट्स के भी एक लेस uh, वेल well ने दिया था एक क्लासिक फेरेज उसने दिया था एक वट गेट्स वट क्या हासिल कर सकते हैं हम क्यों वैन एंड हाओ कैसे ठीक है ना नट वैन एंड हाउ कैसे ले लेके चलेंगे

एस टेन का मॉडल है ठीक है सेंटर में देखें आप पॉलिटिकल सिस्टम है, लेफ्ट हैंड पे देखें डिमांड्स एंड सपोर्ट ये क्या हुए इनपुट हुए हम इनपुट में क्या देते हैं डिमांड एंड सपोर्ट किसकी डिमांड होती है पब्लिक को पॉलिटिकल सिस्टम देन पॉलिटिकल सिस्टम ने क्या बनाया उसके मुताबिक डिसीजन लिए पॉलिसीज बनाए है जैसे जिसे हमने क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है किसको फुलफ़िल करने के लिए डिमांड एंड सपोर्ट को किसकी पब्लिक की डिसीजन बनाए और वो क्या हुआ फिर उसका हमें आउटपुट अचीव हुआ ऊपर देखें इन्वायरमेंट पॉलिटिकल सिस्टम का एन्वामेंट बड़ा मैटर करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कौन बैठे हुए हैं कौन काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कैसा है ऐसा ना हो कि एन्वायरमेंट ही अच्छा ना हो पॉलिटिकल सिस्टम का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता फिर आउटपुट नहीं हमें मिलता इनपुट तो होता है डिमांड एंड सपोर्ट होता है बट पोलिटिकल सिस्टम का इन्वामेंट ही अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से डिसीजन अच्छे नहीं आते फिर जब डिसीजन ले लिए जाते हैं तो उसका फीडबैक कहाँ दे दिया जाता है वापस इनपुट की तरफ आ जाता है यानी पब्लिक को मिलता है दोबारा से उसका फीडबैक एज अ होल पूरा ऐसन का एक उसने क्या बता दिया कुछ लफ्ज़ों में ही बता दिया एस्टर्न मॉडल क्या होता है कि इनपुट होता है जिनकी डिमांड एंड सपोर्ट होती है पब्लिक की तरफ से और पॉलिटिकल सिस्टम उनका इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है और फिर वह उस क्या करती हैं वर्कआउट करती हैं लीगली अप्रूव करती हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या होता है पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करती है और फिर क्या लेती है डिसीजन लेती है और उसका आउटपुट हम अचीव करते हैं कौन फीडबैक की सूरत में किस कौन अचीव करती है गवर्नमेंट इनपुट की तरफ आ जाता है ओके इनपुट क्या होती हैं वेज ऐसे तरीके इन विच एवरेज एंड ग्रुप्स इंगेज इन पोलिटिकल लाइफ ऐसे तरीके होते हैं जिसमें एवरेज ऑफ सिटीजन या ग्रुप्स की क्या होती हैं पोलिटिकल लाइफ में इंगेज होती हैं कैन सपोर्ट और प्लेस डिमांड्स ऑन द स्टेट ये सपोर्ट करती हैं और प्लेस करती हैं किसको डिमांड्स को ऑन द स्टेट स्टेट की डिमांड्स हैव देयर बर्थ इन टू सेक्टर्स ऑफ एक्सपीरियंस डिमांड क्या करती है बर्थ देती है टू तो किसको? टू सेक्टर्स ऑफ एक्सपीरियंस को आइदर इन एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम और विद इन दिस्टम इट्स बेशक वो एनवायरनमेंट होता है सिस्टम का या फिर वो सिस्टम खुद से होता है इट्सल्फ होता है इट्स सेल्फ सपोर्ट क्या होता है सपोर्ट इज फीड इन टू द पोलिटिकल सिस्टम इन रिलेशन टू थ्री ऑब्जेक्ट्स ठीक है उसमें दो थे ना टू सेक्टर्स थे कौन सा इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम या सिस्टम इट सेल्फ सपोर्ट में थ्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं कौन से द कम्युनिटी द रियम एंड द गवर्नमेंट कम्युनिटी क्या हुई पब्लिक हुई जिन्हें कोई इशू है द रीयम क्या हुआ एक दौरे हुकूमत हुआ यानी कि किसका गवर्नमेंट का एंड द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हुई एग्जाम्पल इलेक्टोरल सिस्टम पोलिटिकल पार्टीज इंटरेस्ट ग्रुप ठीक है ना जी गवर्नमेंट के मुख्य पार्ट्स हो जाते हैं ना के वो कुछ टाइम के लिए आते हैं उन सिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं किसको डिमांड को फुलफिल करने की किसकी सिस्टम की पब्लिक की किसी की भी कोई भी अगर डिमांड है उसे फुलफ़िल करने की क्या करती है कोशिश करती है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस दी political सिस्टम द स्ट्रक्चर ऑफ़ द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज, स्किल्स एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द लीडर्स फिल्टरिंग ऑफ डिमांड्स ऑफ द गेट कीपर्स इन दोलिटिकल सिस्टम इन ऑर्डर टू अवॉइड सिस्टम ओवरलोड पोलिटिकल सिस्टम क्या होता है स्ट्रक्चर होता है किसका पोलटिकल इंस्टीट्यूशनस का एक ढांचा होता है पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एंड दैल्यूज़ वैल्यूज़ होती हैं स्किल्स महारतें होती हैं पर्सनैलिटीज़ होती हैं किसकी लीडर्स की उसमें से क्या वो क्या करती है फ़िल्टर करती है ऑफ दी डिमांड बाय द गेट कीपर्स इन दी पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑर्डर टू अवॉइड सिस्टम ओवरलोडिंग फिर उसमें से क्या देखे जाते हैं फ़िल्टर किया जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड चाहे वो गेट कीपर हो चाहे वो बड़े लेवल का पॉलिटिकल सिस्टम में बड़े लेवल पे हो इन ऑर्डर टू ताकि क्या हो सिस्टम ओवरलोड ना हो हम हर किसी को तो नहीं दे सकते ना कोई भी जॉब अकॉर्डिंग टू हमारी डिमांड होगा हमें जिसकी ज़रूरत होगी तो हम उसे देखेंगे अकॉर्डिंग टू नीड देखेंगे उसे ही हम पॉलिटिकल सिस्टम में रखेंगे कॉमन कम्पेरिजन स्टडी पॉलिटिकल सिस्टम्स फॉर इंस्टेंस बिटवीन पार्लियामेंटरी सिस्टम एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम कॉमन कम्पेरिजन होता है कि इसमें पोलिटिकल सिस्टम में जो कि फॉर इंस्टेंस बिटवीन किस में पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है असम्बली वगैरह होती हैं वो होती हैं एंड प्रेजिडेंशियल सिस्टम वो होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर वगैरह का फॉलोअप होते हैं वर्कआउट करते हैं एग्ज़ाम्पल यानी ब्रिटिश सिस्टम विज आविज़ दि जैम्बियन सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम हो सकता है और जैमबियन सिस्टम हो सकते हैं वो डिफरेंट सिस्टम की एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है कि ब्रिटिश वगैरह में है, जे और एग्जेम्बियन सिस्टम कहीं और होगा तो वहाँ पर ये सिस्टम चलता है कि वहाँ पर वो फिल्टरिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या करते हैं वो लोड नहीं करते हैं वो उसी के मुताबिक डिमांड के मुताबिक ही जॉब्स पर रखते हैं चाहे वो गेट के ऊपर है चाहे वो बड़े लेवल पर है ठीक है चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम या प्रेजिडेंशियल सिस्टम जहाँ उसकी ज़रूरत होगी उसे वहीं रुकावटा या फिट किया जाएगा ये क्या हुआ पॉलिटिकल सिस्टम हो देन आ गया आउटपुट आउटपुट क्या होती है पहले इनपुट भी पढ़ा हमने फिर पॉलिटिकल सिस्टम एंड देन आ गया आउटपुट रेगुलेट बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स थ्रू पॉलिसीज़ प्लान प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स बिहेवियर को रेगुलेट करती है एंड फिर रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है किसके ज़रिए पॉलिसीज के ज़रिए प्लान्स के ज़रिए कोई भी प्रोग्राम्स के ज़रिए एंड प्रोजेक्ट्स के ज़रिए कोई भी पॉलिसी वगैरह हम लेते हैं या प्लान लेते हैं वो एक ही नेम दे पॉलिसीज प्लान्स, प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स द डिसन फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम एड्रेसेस पॉलिटिकल, लीगल सोशल एंड एस्पेक्ट्स ऑफ आर लोकल रीजन रीजनल एंड इंटरनेशनल करेक्टर फॉरेन अफेयर्स डिसीजन कोई भी लिया जाता है पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ से वो क्या होता है एड्रेस करता है किसको पॉलिटिकल लीगल लीगली यानी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन सोशल सोशल भी हो पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो एंड एकमिक एक्सपेक्ट रिसोसेज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं और वह किसके लिए लोकल चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे रीजनल मिडल लेवल पे हो एंड इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल करैक्टर को फॉलोअप करता हो ठीक है वो किसी के लिए भी हो सकता है कम्यूनिटी तो, तो कोई भी हो सकती है ना किसी को कोई इशू किसी को कोई इशू उसके मुताबिक क्या करना पॉलिसी प्लान को इकट्ठा करना और इन्हें पॉलिटिकली सिस्टम के मुताबिक एड्रेस करना लीगली अप्रूव करना वो क्या हो जाएगा आउटपुट देन आता है फीडबैक पीपल फाइंड आउट अबाउट पब्लिक पॉलिसी एंड रिएक्ट टू इट थ्रू न्यूज़ सोशल मीडिया इंटरेक्शन विद पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप ए टी सी फीडबैक कहाँ से वो लेते हैं थ्रू न्यूज़ के थ्रू पब्लिक पॉलिसी ने काम किया है नहीं किया है उसका रिएक्शन क्या आता है थ्रू न्यूज़ आता है सोशल मीडिया आता है इंटरेक्शन विद पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप से उससे आता है फीडबैक फीडबैक कैन आइर भी कोई पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल्स आर नीड टू सीक और इंक्रीज़ इनपुट एज वेल एज एम्पलीफाइड एविएशन अ प्री डिटरमाइंड नॉर्म यानी फीडबैक क्या होता है क्या पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है सिग्नल्स आ नीड टू सीक देखना और इंक्रीज़ करना इनपुट एज़ वेल एज़ एम्प्लीफाइड एविएशन फ्राम अ प्री डिटरमाइंट नॉर्म अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंट नॉर्म्स के मुताबिक लेकर चलना यानी इसका पॉजिटिव फीडबैक आएगा क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगोलेशन हो रहा है नेगेटिव फीडबैक इंडिकेट्स द नीड टू कट ऑफ और रिड्यूस इनपुट्स नेगेटिव फीडबैक कब आएगा कि जब वो ज़रूरत क्या होगी कट ऑफ हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगा इनपुट यह क्या होगा नगेटिव फीडबैक देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है एवरी थिंग आउटसाइड दोलिटिकल सिस्टम हैज़ एन इन्फ्लुंस ऑन द इपुट डिसंस मेकिंग प्रोसेस आउटपुट एंड फीडबैक एवरी थिंग जो कि आउटसाइड द पोलिटिकल सिस्टम हो रहा है बाहर हो रहा है पोलिटिकल सिस्टम के हेज़ एनफ्लुएंस होती है किस से इनपुट से डिसजन मेकिंग प्रोसेस से आउटपुट से एंड फीडबैक से वो क्या हो जाता है एज आ होल क्या हो गया इन्वायरमेंट हो गया इनपुट जा रही है उस पर डिसीजन लिया जा रहा है उस पर प्रोसेस हो रहा है देन आउटपुट आ रहा है और फिर फीडबैक दोबारा से जा रहा है ये सारा क्या एक किस्म का इन्वायरमेंट ही कहलाता है एवरी थिंग आउटसाइड द पोलिटिकल सिस्टम पोलिटिकल फैक्टर इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लीगल इशूज एंड डिफाइंड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स अंडर विच द फर्म मस्ट ऑपरेट पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड करती है गवर्नमेंट रेगुलेशन को जो लीगली अप्रूव होते हैं लीगल होते हैं डिफाइन जो कि डिफ़ाइन करती हैं बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स को फॉर्मल जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन और इनफॉर्मल जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो अंडर विच द फर्म मस्ट जिसमें लेकिन फर्म ने उसमें मस्ट ऑपरेट करना है सम एग्जाम्पल्स इंक्लूड टैक्स पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड टैरिफ्स ये डिफरेंट पॉलिसीज़ के तौर पे एग्जांपल्स दे रहा है जिसमें क्या होते हैं ऑपरेट करती हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स या पॉलिसीज इकोनॉमिक फैक्टर क्या आते हैं इकोनॉमिक देखें पॉलिटिकल फैक्टर क्या था गवर्नमेंट रेगुलेशन लीगल इश्यूज फॉर्मल इनफॉर्मल रूल्स इकॉनमिक फैक्टर्स क्या है होते हैं डेली लाइफ ऑफ सिटीजन एंड ऑपरेशन ऑफ़ द गवर्नमेंट दीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं इकोनॉमी के ऊपर नीचे हो जाना ठीक है ये क्या होती है डेली लाइव होती हैं रोज़ाना हमारी क्या होती है कीमतें गिरती हैं चढ़ती हैं ठीक है, है। लाइव ऑफ़ सिटीज़न्स होते हैं एंड ऑपरेशन होती है, है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऑपरेशन होते हैं इसमें क्या होता है इंटरेस्ट रेट हो सकता है एक्सचेंज रेट ये भी तो ऊपर नीचे होते हैं इन्फ्लेशन रेट पैसे की कदर क्या हो रही है कम हो रही है ज़्यादा हो रही है उसको देखना ठीक है वो क्या आ जाता है इसी में आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों किस में आए इन्वायॉयरमेंट में आए पॉलिटिकल फैक्टर्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस को देखना लीगल इश्यूज को देखना फॉर्मली इनफॉर्मली क्या ऑपरेट कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो गया डेली लाइव्स ऑफ सिटीजनस हो गए ऑपरेशन हो गए जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ रहे हैं एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं इन्फ्लेशन रेट पैसे की क़दर क्या है कम हो रही है ज़्यादा हो रही है उसको हेलीकॉप्टर करना है ये क्या हो गया इन्वायरमेंट सोशल फैक्टर इंक्लूड द डेमोग्राफिक हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट। सोशल फैक्टर क्या होते हैं इंक्लूड करते हैं डेमोग्राफिक एक माहौल को देखते हुए हेल्थ को देखने हेल्थ कॉन्शियस कौन है उसको देखना ठीक है उस चीज़ को भी फॉलोअप किया जाता है किसमें इन्वायरमेंट में एंड कल्चरल एक्सपेक्ट और हमारा कल्चर किस चीज़ को फॉलो करता है उसको देखना ऑफ द एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट किसमें एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में बाहर देखना यानी एक तो पॉलिटिकल सिस्टम हो गया ना हम इंटरनली सिर्फ लुक आफ्टर कर लेते हैं एक्सटर्नली हम मैक्रो एनवायरनमेंट को माइक्रो क्या होता है अंदर इंटरनली देखना और मैक्रो बाहर को देखना इसी तरह इं, मैक्रो में पॉलिटिकल सिस्टम में हम माइक्रो इन्वायरमेंट को देख रहे थे जबकि इसमें क्या हो गया एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट को भी देखा जाएगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन लोअर बैरियर्स टू एंट्री रिड्यूस मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल एंड इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिशीज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कैन लोअर बैरियर्स होते हैं टू एंटी एंटर करना रिड्यूस मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल प्रोडिकम करना किसको एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल को एंड इन्फ्लुएंस करना आउटसोर्सिंग डिशीजन को और बाहर के डिसीजन को इन्फ्लेंस करना सम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या आते हैं इंक्लूड ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इंसेंटिवस एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हमारे इन्वामेंट को चेंज करते हैं कैसे इफ़ेक्ट करते हैं वो इस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी इंसेंटिवस हम यूज़ कर रहते हैं उसमें चेंजेज आ जाना न्यू टेक्नोलोजी आ जाना तो हमें क्या होता है चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना पड़ता है तरक्की करने के लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे इस चेंज को अपना लेंगे टेक्नोलॉजी का रेट चेंज हो सकता है ठीक है पैसे की कदर इस तरह होगी ना पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें पूरा टेक्नोलॉजी का लेवल ही चेंज करना पड़ जाएगा ठीक है और रेट चेंज होगा तो उसका भी इफ़ेक्ट होगा टेक्नोलॉजी वही चल रही है रेट चेंज हो गया तो तब भी हमें क्या होगा नुकसान होना शुरू हो जाएगा या महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा ठीक है इस तरह भी महंगाई होती है कुछ क्रिटिक्स थे एस्टेंट मॉडल पे वो क्या थे देखें एस्टेंट क्लेम्स टू क्रिएट अ जनरल थ्योरी उसने क्लेम किया कि क्रिएट करें जनरल थ्योरी बट ही रियली सक्सीड इन डिस्क्राइबिंग और डिफाइनिंग द पॉलिटिकल सिस्टम बट वो कामयाब हुआ डिस्क्राइब और बताने में पॉलिटिकल सिस्टम के ब्लैक् ब्लैक बॉक्स व्यू ऑफ पॉलिटिक्स नॉट क्लियर ऑफ हाउ कन्वर इन साइड दॉक्स ऑपरेट यानि एक ब्लैक बॉक्स बना दिया उसने पॉलिटिक्स का जिसमें क्या हो नहीं था कि हम क्या वर्कआउट कर रहे हैं इनसाइड दॉक्स बॉक्स बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है यानी एक ब्लैक बॉक्स बना दिया कि हमें नहीं पता कि पॉलिटिकली क्या काम हो रहा है किस तरह से हो रहा है ठीक है इनसाइड दॉक्स अज्यूम्स पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इज ऑर्डर एंड कम्प्लीट वो अज्यूम कर रहा है कि पॉलिटिक्स ऑर्डर हो रही है कम्प्लीट हो रही है लेकिन हम पता नहीं चल रहा हमें टू मैकेनिकल एंड रिजिड नॉट डायमिक आइडियोलॉजिकली दिस टू मैकेनिकल एंड रीजन नॉन डायनामिक है आई द सिस्टम मॉडल इज़ टू वेस्टर्न था बाहर के लेवल पे था एंड एम्प्लॉयज मेनली टू मेच्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसीज को लेकर चलता था ओके okay, क्लास आज के लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रीड आउट करेंगे हाफिज़